एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मिंत्रा टॉप हॉल के ऊपर होने वाला है। मैंने बहुत ही बेसिक से टॉप इंक्लूड करे हैं, कुछ भी ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, जो हम इजीली डेली वेयर में पहन सकते हैं ना, ऐसे ही टॉप मैंने इंक्लूड करे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉप के साथ, जो कि ये रहा। ये रोडस्टर से है, इसको देखो। जो मेरा साइज़ है वो है स्मॉल साइज़। इसका प्राइस था 299 रुपीज़ था, मतलब 300 का था ये। और इसके जो स्लीव्स हैं वो 3/4 स्लीव्स हैं। यहाँ पर ना इलास्टिक लगी हुई है इसके स्लीव्स में। इट्स फैब्रिक इज प्योर कॉटन। इट हैज़ दिस लेस डिटेलिंग इन इट्स बैक साइड, और फ्रंट पर भी सेम ही लेस लगी हुई है। ये ना इसकी वजह से यहाँ से ट्रांसपेरेंट सा लगता है। अगर आप इनर वेयर कुछ भी पहनोगे ना, तो वो ट्रांसपेरेंट बेल्ट वाली जो इनर वेयर आती है वो पहन सकते हो। यहाँ पर इस लेस की वजह से ये ट्रांसपेरेंट है, पर नीचे साइड से भी ना यहाँ से भी हल्का ट्रांजी है। ये बहुत ही कंफर्टेबल है और इसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको पहन कर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इट्स काइंड ऑफ अ शॉर्ट कुर्ती टॉप। सो लेट्स सी आवर सेकेंड टॉप, जो कि है ये पिंक कलर, जो कि ड्रेस बेरी से है। इस पर जो मेरा साइज़ है वो है स्मॉल साइज़, और इसका प्राइस था 180, पर अभी प्राइस बढ़कर ना काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 500 समथिंग हो गया है। और आई डोंट थिंक इसके लिए 500 ठीक प्राइस है। तो इसको मैंने स्टाइल किया था अपने बॉयफ्रेंड फिट जीन्स के साथ, और शूज़ पेयर अप करे थे मैंने इसके साथ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर अभी मत लेना, जब इसके प्राइस कम होंगे ना तब आप लेना। तो 180 में मुझे मिला था, अभी इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत ब्यूटीफुल है ये, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक एरिया से भी बहुत अच्छे से फिट होता है, मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हुआ ये। पर इस पर ना इसके जो स्लीव्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, कि आप कुछ भी अंदर पहनोगे ना तो वो साइड से दिखेगा। बाकी टॉप बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, बहुत कम्फर्टेबल है। अब देखते हैं हमारा थर्ड टॉप, जो कि है ये रोडस्टर से है। इसका जो साइज़ है वो है मीडियम साइज़, और इसका प्राइस था 339 रुपीज़। इट हैज़ दिस पाइपिंग डिटेलिंग इन इट्स चेस्ट एंड स्लीव्स एरिया। देखो इसका ना फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्योर कॉटन में है ये, और मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। इसके स्लीव्स ना काफ़ी बड़े हैं, मुझे ऐसे बड़े बड़े स्लीव्स वाली टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये लूज़ है, मैंने मीडियम साइज़ जानबूझकर ऑर्डर किया है, क्योंकि मुझे लूज टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने इसको पेयर अप किया था अपने हाई वेस्टेड ब्लैक जीन्स के साथ, जो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत कंफर्टेबल। आप अगर कोचिंग जाते हो, आपकी स्कूल है, और मतलब आप अगर कॉलेज जाते हो, तो आपके लिए ये टी शर्ट बहुत अच्छी रहेगी। काफ़ी स्टाइलिश है और काफ़ी कम्फर्टेबल है, मुझे बहुत प्रिटी और बहुत ही सुंदर सा लगा। यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, राइडर क्लब्स नहीं है, राइडर्स क्लब है। क्वालिटी अमेजिंग है, फिटिंग अमेजिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको ऐसी टी शर्ट्स पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन। प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 339 मुझे अच्छा लगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अमेजिंग है, इसलिए प्राइस भी बहुत अच्छा। लेट्स सी आवर फोर्थ टॉप, जो कि है ये। इसका कलर देखो, इतना ज़्यादा प्रिटी कलर है, स्क्वायर नेक टॉप है ये। अगेन ये ड्रेस बेरी से है, और इसका साइज़ भी है स्मॉल साइज़। ये मुझे मिला था 189 में, पर अभी इसका भी प्राइस बढ़ गया है। ड्रेस बेरी के एक्चुअली में प्राइस बढ़ गए हैं, जब मैंने लिया था तब डिस्काउंट चल रहा था। आपको डिस्काउंट ईजिली मिल जाएगा, आते ही रहता है क्योंकि डिस्काउंट। और इसका कलर मुझे सबसे ज़्यादा प्रिटी लगा, इसका नेक एरिया भी बहुत अच्छा है। मुझे थोड़ा लूज़ हो रहा है, शायद मुझे इसका ना एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ ऑर्डर करना था, क्योंकि जो नेक एरिया है वहाँ से मुझे ये हल्का लूज़ हो रहा है। इसको भी मैंने सेम अपने बॉयफ्रेंड जीन्स पहन के साथ स्टाइल किया था, और शूज़ पहने थे नीचे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत ही प्रिटी सा है, बहुत कंफर्टेबल है, और इसका जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन फैब्रिक है। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल भी कर सकते हो, मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा ये। इसकी क्वालिटी, इसका फैब्रिक सुपर्ब है, और इसको पहनकर अब बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था मुझे। इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी पता है, इसका कलर बहुत प्रिटी कलर है, एकदम डिफरेंट सा नियॉनिश ग्रीन येलो सबका कॉम्बिनेशन लग रहा है मेरे को ये, और बहुत प्रिटी है बस। और मुझे काफ़ी कम प्राइस में पर भी मिल गया था अभी, पर इसका प्राइस बढ़कर ना शायद 600 या 500 हो गया है, तो अभी मत लेना, लेकिन जब डिस्काउंट आएगा तब डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉप, जो कि है ये ऑलिव ग्रीन।
टी शर्ट पैटर्न टॉप, इसका जो पैटर्न है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसे कॉलर्स बने हुए हैं और स्लीव लेस है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छे लगते मुझे ऐसे टॉप। इसका फैब्रिक प्योर कॉटन फैब्रिक है। इसका प्राइस जो है वो 235 इसका प्राइस है। इसका फैब्रिक प्योर कॉटन है, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें जो मेरा साइज़ था वो स्मॉल साइज़ था, बहुत अच्छे से मुझे फिट हुआ। इसको मैंने अपने हाई वेस्टेड ब्लैक जीन्स के साथ पेयर अप किया था, जो दोनों साथ में बहुत अमेजिंग लग रहे थे। अभी देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉप, जो कि है ये रोडस्टर से ड्रॉप शोल्डर स्लीव्स बॉक्सी सुपर टी शर्ट क्रॉप टॉप टी शर्ट, ऐसे कुछ तो मैं लिखा था, इतना लंबा सा नाम। इसके स्लीव्स ऐसे ड्रॉप स्लीव्स है ना, इसीलिए इसका पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्रॉप टॉप है ये, इसका कलर भी बहुत अमेजिंग है। इसका जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन फैब्रिक है। इसके साथ ना एक प्रॉब्लम हुई थी, मैंने इतना बड़ा साइज़ ऑर्डर कर लिया इस पर, क्योंकि वहाँ जो साइज़ चार्ट लिखा हुआ था वहाँ चेस्ट का जो भी साइज़ था मैंने वही साइज़ डाला, पर ये एक्सेल साइज़ में आया और ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ बहुत बड़ा हो रहा था। इसका एटलीस्ट मुझे एल साइज़ ऑर्डर करना था, क्योंकि इतना ज़्यादा लूज़ भी नहीं पसंद है मेरे को, तो इतना ज़्यादा लूज़ अच्छा लग भी नहीं रहा था। तो हाँ, मैं इसको एक्सचेंज कराकर इसका एल साइज़ ऑर्डर करूँगी। बाकी इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो फिटिंग है, बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको पहनकर। इसको मैंने लिया था 195 रुपीज़ में, लेकिन अभी इसका प्राइस बढ़कर 500 हो गया है। तो मैंने लिया था सेल के टाइम पर, इसलिए मुझे इतने कम में मिला, पर अभी इसका प्राइस बढ़ गया है। तो आप प्राइस ड्रॉप होने का वेट करना और इसको ले लेना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा ये। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉप, जो कि है ये ब्लैक कलर टॉप, जो कि टोक्यो टॉकीज से है। इसका जो भी वेस्ट एरिया है ना, उसको क्लिंच्ड वेस्ट बोलते हैं, इस तरीके की वेस्ट एरिया को। और इसके स्लीव्स में भी काफ़ी अच्छे से एकदम डिफरेंट सी स्टाइलिंग है इसकी, और इसके स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ट्रांजी है जो ये चेस्ट एरिया से, यहाँ से ट्रांसपेरेंट है ये। पीछे जिप की डिटेलिंग दी गई हुई है, ये ओपन क्यों नहीं हो रही, ऐसे ये जिप लगी हुई है पीछे। इसका फैब्रिक बहुत प्रिटी फैब्रिक है, और इसका जो भी लुक है ना वो भी बहुत अमेजिंग है। बस ये एक ही टॉप है जो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब बेसिक नहीं है, पर फिर भी आप इसको डेली वेयर में इजीली पहन सकते हो। इसका लुक भी काफ़ी अमेजिंग आता है। इस पर जो मेरा साइज़ था वो स्मॉल साइज़ था, और इसका प्राइस था 485 रुपीज़, जो मुझे अफोर्डेबल लगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रिटी सा एकदम बहुत अच्छा क्यूट टॉप है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके स्लीव्स बहुत अमेजिंग है, यहाँ पर कुछ तो भी ऐसे डिटेलिंग दी गई हुई है, कोई बटन वगैरह नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रैप्स दिए हुए हैं जिससे आप ऐसे स्लीव्स में कवर अप करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अमेजिंग लुक आता है इसका। अभी हम देखते हैं हमारा सेकेंड लास्ट टॉप, जो कि है ये वी नेक ब्लू टी शर्ट विच इज़ फ्रॉम रोडस्टर। इस पर जो मेरा साइज़ है वो है स्मॉल साइज़, और ये मुझे 118 में मिली थी। अगेन इसका प्राइस बढ़ के अभी ज़्यादा हो गया होगा, पर ये मुझे काफ़ी कम में मिल गई थी 118 में। इट्स फैब्रिक इज़ प्योर कॉटन, बहुत कंफर्टेबल है, इतनी सॉफ्ट मटेरियल है इसका। इसको भी मैंने अपने बॉयफ्रेंड फिट जीन्स के साथ ही पेयरअप किया था, बहुत अमेजिंग लग रहा था। एक टी शर्ट चाहिए ही होती है हमें डेली वेयर में, तो ये आप डेफिनेटली ले सकते हो, प्राइस भी काफ़ी कम था 118 में, इतनी अमेजिंग टी शर्ट तो लेनी तो बनती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको, तो आप वो भी ले सकते हो। सो नेक्स्ट टॉप इज़ दिस वाइट कलर टी शर्ट टॉप, ये टोक्यो टॉकीज से है। इस पर जो मेरा साइज़ था वो स्मॉल साइज़ था, और इससे मैंने लिया था 400 रुपीज़ में, पर इसका भी अभी प्राइस बढ़कर 700 या 600 समथिंग हो गया है, जो 600 लायक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इसके फैब्रिक में ही ना ऐसे कुछ लाइन लाइन ऐसे डिटेलिंग दी गई हुई है, यहाँ पर एक कट है और यहाँ पर ये स्ट्रैप्स दिए हुए हैं। इस अच्छा लग रहा था, ठीक है, पर इसका जो भी फिटिंग है ना मुझे अच्छा नहीं लगा, काफ़ी अजीब सा फिट हो रहा था ये। इसके जो ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये डिटेलिंग अच्छी नहीं थी, और इसके स्लीव्स भी काफ़ी छोटे हैं और मुझे स्ट्रेचेबल नहीं है ये। इस पर भी आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हो अगर आपको लेना है, पर इसकी क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इसका फैब्रिक जो है वो पॉलिएस्टर फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल बिल्कुल भी नहीं है, फिटिंग अच्छे से नहीं हो रही थी ये मुझे। और इसका प्राइस भी 400 था, तो 400 के हिसाब से मुझे ये टॉप
अच्छा नहीं लगा। इसके स्ट्रैप्स समझ में ही नहीं आ रहे थे कि मैं कैसे इसे स्टाइल करूं, तो मैंने अपने जो जीन्स है जहां पर हम बेल्ट लगाते हैं वहीं पर इन्हें कुछ भी कर कर ऐसे बांध लिया था पीछे। फिटिंग अच्छी नहीं थी तो मुझे अच्छा लगा भी नहीं इसे पहनकर। ओके सो इट्स टाइम फॉर आर लास्ट टॉप जो कि है ये हेयर एंड नाउ से है। इस पर जो मेरा साइज़ है वो मीडियम साइज़ है और ये मुझे मिली थी 149 में, लेकिन अभी इसका प्राइस बढ़कर ज़्यादा हो गया है। इसका जो फैब्रिक है वो पॉलिएस्टर फैब्रिक है और ये ट्रांसपेरेंट भी है। उतना ज़्यादा अच्छा मुझे इसका फैब्रिक लगा नहीं और पहनने के बाद ठीक ही लग रही थी। इस पर भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। वी नेक टी शर्ट है, अगर आपको ऐसे टी शर्ट्स लेनी है तो मैंने जो वो ब्लू कलर टी शर्ट दिखाई रूटस्टर की आप वो ले सकते हो, पर इसका फैब्रिक भी अच्छा नहीं है तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छी वो टी शर्ट लगी। तो अगर आपको टी शर्ट्स लेना ही है, वाइट कलर लेना ही है, तो आप उसमें वाइट कलर ले सकते हो। उसका भी वी नेक है पर उसका फैब्रिक डिफरेंट था, प्योर कॉटन फैब्रिक था, इसका फैब्रिक पॉलिएस्टर है। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाई।